हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड वाले जो हाई कोर्ट में केस है उसकी आज सुनवाई थी 28 मई को कोर्ट नंबर 8 में, लेकिन दोस्तों आज वो सुनवाई नहीं हो पाई और उसकी अगली डेट मिल चुकी है। आपके लिए बुरी खबर आ रही है और आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई इस बात पर मैं पूरी चर्चा करूंगा और अगली सुनवाई कब होगी और इस केस का अब क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज सुनवाई इस कारण नहीं हो पाई, जो वकीलों की हड़ताल जारी है इसी कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट में किसी भी केस की आज सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वकीलों ने, जो भी प्राइवेट वकील था, उन्होंने कोई अपना पक्ष नहीं रखा, ठीक है दोस्तों। और जो कमलेश मीणा का जो वकील था विजय चौधरी, उन्होंने भी अपना पक्ष नहीं रखने के लिए वो कोर्ट में नहीं आए, वो हड़ताल में शामिल थे, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो पाई, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बुरी खबर आ रही है कि आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सभी बच्चों को ये आस थी कि आज कोर्ट में सुनवाई होगी और कमलेश मीणा केस को हार जाएंगे और स्टे हट जाएगा, लेकिन दोस्तों आज सुनवाई इसी कारण से नहीं हो पाई कि आज जो वकीलों की हड़ताल थी उसी कारण, और ये हड़ताल पिछले एक वीक से जारी है। अब देखते हैं ये हड़ताल कब तक चलती है। जब तक ये हड़ताल चलेगी जब तक तो कोर्ट में सुनवाई हो नहीं सकती, ये हड़ताल खत्म होने के बाद ही कोर्ट में सुनवाई होगी, चाहे डेट कितनी भी मिल जाए, ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक आपकी सुनवाई नहीं हो सकती। हाँ, ये बात अब फाइनल हो चुकी है कि जब भी रीट लेवल सेकंड के कोर्ट केस की सुनवाई होगी, जज साहब आपके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे और स्टूडेंटों के पक्ष में फैसला आएगा, सरकार केस जीतेगी और इस भर्ती पर से स्टे हट जाएगा और जल्दी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसकी सुनवाई नहीं हो रही, डेट पे डेट मिल रही है, अब तो हद हो चुकी है कि आगे एक वीक फिर डेट मिल जाती है, फिर डेट मिल जाती है, अभी स्टूडेंट कितना इंतजार करें। अब सरकार को इस पर कुछ कठोर से कठोर कदम उठाना होगा, नहीं तो फिर आगे आने वाले समय में वोट भी आ रहे हैं, जनता जवाब भी देना जानती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसकी अगली सुनवाई कब होगी, जज साहब ने कब इसकी अगली सुनवाई की डेट दी है। दोस्तों इसकी अगली सुनवाई 30 मई को होगी, लेकिन बात यही है कि 30 मई को भी सुनवाई जब ही होगी अगर ये हड़ताल खत्म होती है और वकील अपना पक्ष रखने के लिए आता है, जो कमलेश मीणा का वकील है वो आएगा, तभी तो सुनवाई हो पाएगी। सरकार के वकील तो आज टोटल कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन कमलेश मीणा के वकील अनुपस्थित होने के कारण जज साहब ने आज सुनवाई नहीं की और सरकारी वकीलों ने बहुत गुजारिश की कि सुनवाई कर लीजिए, लेकिन जज साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि विपक्ष का वकील नहीं होते हुए इस केस की सुनवाई कैसे हो सकती है। तो दोस्तों अब इसकी डेट अगली 30 मई मिली है, देखते हैं 30 मई को क्या होता है, लेकिन अगर ये हड़ताल खत्म होती है तो 30 मई को डेफिनेट सुनवाई होगी और ये आपको पता है कि सप्लीमेंट्री केस है तो इसका नंबर भी डेफिनेट आ जाएगा, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए। और अगर नंबर आ गया तो आपके पक्ष में जरूर बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है 30 मई को, लेकिन आपको यही इंतजार करना है कि अगर ये वकीलों की हड़ताल कब तक खत्म होती है, ठीक है दोस्तों। जब भी अगर वकीलों की हड़ताल खत्म होगी, कोई नया अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी कि आज सुनवाई नहीं हो पाई और अगली सुनवाई 30 मई को होगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीट लेवल सेकंड की पल पल की खबर आपको यहाँ मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।